अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पेपरों की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर जो है वो ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि दूसरे भेजे पेपर आपके पॉसिबल नहीं है इन हालात में। तो ये जो वीडियो है, ये है जी बीए पार्ट टू एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो है ना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी बी ए पार्ट टू एजुकेशन का जो है वो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है जी नज़रियाती तालुम, ठीक है। तो इसके एम सी क्यूज में चले शुरू करते हैं। एम सी क्यूज नंबर 1, अक्सर लोग जो है वो तालुम से मुराद जो है वो डैश लेते हैं। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जो ऑप्शन नंबर 2, तहसीले इलम। सवाल नंबर 2, फ़र्द के करदार में तब्दीली और उनके हालात का मुकाबला जिनके लिए इस्तेदाद और महारत पैदा हो कहलाता है। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जो ऑप्शन नंबर 4, तालुम। सवाल नंबर 3, आमोज़िश के मैनी हैं। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जी ऑप्शन नंबर 1, सीखना। सवाल नंबर 4, तालुम से मुराद है। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जी ऑप्शन नंबर 2, बालिदगी। सवाल नंबर 5, तलीम के कवानीन हैं। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जी ऑप्शन नंबर 3, 4 कवानीन है। सवाल नंबर 6, तालीम की कितनी अकसाम है। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जी ऑप्शन नंबर 2, इसकी 4 अकसाम है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि इसकी कौन कौन सी अकसाम है, इन अकसाम के नाम आपने बताने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7, तलीम बजरिया साए व ख़ता किसने मुतारिफ़ करवाया। तो इसका जो जवाब है जी, वह जी ऑप्शन नंबर 4, थार्न डाइक, ठीक है। सवाल नंबर 8, थार्न डाइक ने तलीम बजरिया साओ खता कब मुतारिफ़ करवाया, ठीक है, किस डेट को। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जी ऑप्शन नंबर 2, 1890 में। तो प्लीज़ अगर ये जो वीडियो है ये लाइक कर दीजिएगा, बी ए एजुकेशन स्टूडेंट्स जितने भी जो है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। सवाल नंबर 9, पहली जंगे अजीम में किस माहिर नफ्सियात को जानवरों की रहायशगाह में बंद कर दिया गया था। तो इसका जो जवाब है जी, वो जो ऑप्शन नंबर 2, कोलहर, ठीक है। सवाल नंबर 10, ऐसा जवाबी फेल जो हरकत के अदराक को समझने के बाद होता है कहलाता है। तो इसका जो जवाब है जी, वो जो ऑप्शन नंबर 4, तकलीद, ठीक है। सवाल नंबर 11, विलियम जेम्स ने नज़म स्टार्टर की कितनी लाइनें याद की। तो इसका जो जवाब है जी, वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पता तो चले कि आप लोगों की तैयारी जो है वो कितनी है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सवाल नंबर 12, माहिर नफ्सियात थार्न डाइक ने किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जो ऑप्शन नंबर 2, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 13, ज़हनी इंज़बात के नज़रिए की तरदीद जो करने वाला शख्स था वो कौन था। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जो ऑप्शन नंबर 4, विलियम जेम्स। सवाल नंबर 14, अमोज़िश बजरिया तकलीद पर किसने मुशाहदा किया। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जी ऑप्शन नंबर 3, अल्बर्ट बंदौरा, ठीक है। सवाल नंबर 15, थार्न डाइक ने कानून मशक का इलाज ऐलान कब किया था। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जी ऑप्शन नंबर 3, 1913 में। तो जज्बे के पहलू हैं, ये सवाल नंबर 16 जी, जज्बे के कितने पहलू हैं जी। इसका जवाब है जी ऑप्शन नंबर 4, 2। सवाल नंबर 17, किसी शय को पहचानने की जो कोशिश है वो डैश है। इसका जो जवाब है जी, वो है जी ऑप्शन नंबर 4, तवज्जो, ठीक है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कि जज्बे के पहलू हैं, ये कौन कौन से हैं, तो कितने हैं, तो इनके आप लोगों ने बुक से देखने हैं कि कौन कौन से, ठीक है, उनके नाम आप लोगों ने देखने हैं। सवाल नंबर 18, थार्न डाइक के तीन नज़रियात को कहा जाता है। तो इसका जो जवाब है जी, वो है जी कानून मुअल्लिम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।